He who has a why to live for can bear almost anyhow. अगर आपको ये पता है कि आप जीना क्यों चाहते हैं, तो आप चाहे लाइफ में कितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप लाइफ को कंटिन्यू करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे. सो गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक आउट टाइम टू डिसाइड, टू एक्सप्लोर, टू कंटेम्पलेट व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर लिविंग. ऐसी क्या वजह है आपके जीने की. और विश्वास मानिए गाइस, हर जिंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई एक वजह ज़रूर होती है. सो ऑलवेज फाइंड दैट वाई टू लिव एंड व्हेन द वाई इज़ क्लियर योर लाइफ विल बी बेटर. अगर आप कोई अच्छी हैबिट पकड़ना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू इनकलकेट अ गुड हैबिट, नो द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू डू इट. इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रेक अ बैड हैबिट, नो द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू ब्रेक द बैड हैबिट. अगर आपका वाई क्लियर है, तो हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब कुछ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा. सो ऑलवेज इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, इट कुड बी एज सिंपल एज टाइंग लेसेस ऑन योर शूज, इट कुड बी एज सिंपल एज टेकिंग अ बाथ, नो द रीज़न वाई यू आर टेकिंग अ बाथ, नो द रीज़न वाई यू आर ईटिंग फूड. बिकॉज अगर आप वाई को समझते रहोगे, अगर आप वाई को क्लियर करते रहोगे, तो लाइफ अपनी आप आसान होती रहेगी. सो विद दीज लाइन्स चलिए शुरू करते हैं. एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. टुडे इज अ सैटरडे मॉर्निंग गाइस, एंड हमें मिलकर इस शो को टॉप करना है. द रीज़न वाई, बिकॉज मैं इस शो के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और मैं इस शो को आने वाले महीने में इंडिया का बेस्ट व्यूड, मोस्ट व्यूड करंट अफेयर शो बनाना चाहता हूँ. उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. सो फटाफट इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जहाँ जहाँ पर भी आप हैं. ये शो एक पारिवारिक शो भी है, तो यू कैन सेंड दिस पर्टिकुलर शो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आज की 4th of July करंट अफेयर्स पे. और पहले आइए देख लेते हैं इस शो के बारे में फन फैक्ट. फन फैक्ट ये है कि देर आर टू सेशंस गाइस दैट हैपन ऑफ करंट अफेयर्स ऑन दिस चैनल. द फर्स्ट सेशन हैपन्स एट दिस टाइम एट 8 AM एंड द सेकेंड सेशन हैपन्स एट 4 PM. अगर कोई सेशन करंट अफेयर 8 AM में मिस हो जाती है, वो कन्फर्म आपका 4 PM पे कवर हो जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को और ले चलते हैं आपको हमारे आज के चैंपियंस ऑफ चैंपियंस की ओर. और आज के जो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस हैं, वो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पे. आप देख सकते हैं ये हमारे आज 5 चैंपियंस हैं, जिनकी फ़ोटो आपके सामने हमने प्रेजेंट की है. एंड ऑल ऑफ दीज आर विनर्स ऑफ टूडेज चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन कैटेगरी. अगर आपको भी इसमें आना है, यू कैन मेल मी एट kush.pandey@gradeup.co. चलिए तो शुरू करें एंड ले चलें आपको हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर. एक बार ज़रा फटाफट कमेंट, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. NBFC हैविंग मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ NPA ऑन 31st of March 2020 माफ करना, शैल बी कंसिडर्ड फॉर अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs. 31 मार्च 2020 को NBFC के कितने परसेंटेज NPA से अधिक होने पर उन्हें NBFC HFC के लिए जो विशेष तरलता योजना है उस पर विचार किया जाएगा. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ एट 6%. 6% से ऊपर होना चाहिए एंड दे शुड, उनके अकाउंट होने चाहिए स्ट्रेस्ड अकाउंट होने चाहिए और उनको NBFC HFC का जो नया स्कीम आया है उसके अंडर लाया जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस शैल बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग IITs या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री निम्न में से किस में शुरू की गई है. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ IIT मद्रास. गाइस, IIM अहमदाबाद इज द नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट और रैंकिंग फ्रेमवर्क. सिमिलरली IIT बॉम्बे अगर हम बात करें तो जो QS रैंकिंग आई है वर्ल्ड की, उसमें इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी है. सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में JNU आपका टॉप पे बना हुआ है. ऑलराइट, यस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी अवेल्ड अंडर द इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक. ICICI बैंक द्वारा शुरू किए गए म्यूचुअल फंडों के लिए के खिलाफ इंस्टा लोन के तहत अधिकतम कितना ऋण आप ले सकते हैं. 1 करोड़, 20 लाख,
50,000, 50 lakh या फिर आपका 1 lakh. The answer is it is option A, that is 1 crore. Minimum amount आपका 50,000 rupees है. Similarly, equity funds पर आप 20 लाख का लोन ले सकते हो और debt funds पर आप 1 crore का लोन ले सकते हो. ये भी आपको अपडेट यहाँ पर दोस्तों करना पड़ेगा. दोनों ही चीज़ें यहाँ पर absolutely आपकी करेक्ट हैं. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Who of the following has launched an indigenous airborne locust control system? निम्न में से किसने हाल ही में एक airborne locust control system को लॉन्च किया है? श्री हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, के वेणुगोपाल जी या फिर पीयूष गोयल जी? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर जी. नरेंद्र सिंह तोमर जी इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज. इनका लोकसभा क्षेत्र है आपका मुरैना और ये इस वजह से न्यूज़ में है. राजनाथ सिंह जी इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड ही इज़ अ लोकसभा MP फ्रॉम माई सिटी, दैट इज़ लखनऊ. हर्षवर्धन साहब, ही इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर. ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिज लोकसभा क्षेत्र गाइज इज़ आपका चांदनी चौक टू चाइना. नो, ओनली चांदनी चौक, नॉट नो चाइना, नो गोइंग टू चाइना. चाइना भाड़ में, चाइना बेकार है. चांदनी चौक बेसिकली इज़ इन दिल्ली. और यस, KK वेणुगोपाल की बात करें, KK वेणुगोपाल सर, ही इज़ द अटॉर्नी जनरल, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. एंड द रीज़न वाई इट इज़ इन द न्यूज़ गाइज इज बिकॉज KK वेणुगोपाल हैज़ बीन गिवन एक्सटेंशन ऑफ 1 more year. सिमिलरली पीयूष गोयल साहब, ही इज़ अ राज्यसभा MP एंड ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दोनों ही मंत्रालयों के ये आपके मिनिस्टर हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर. The Accelerate Vigyan Scheme has been launched by which of the following organizations? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा गति विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है? DST, ICMR, भारत बायोटेक, NIV या फिर आपकी SERB? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ SERB. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन का इस DST आपका न्यूज़ में है. मेरे को बताइए व्हाट इज़ द ईयर एनिवर्सरी ऑफ DST, कितने साल हो गए हैं इसको? आंसर होगा आपका 50 साल हो गए हैं. सेकेंड सवाल बनेगा, वेन इज़ द DST फाउंडेशन डे ऑब्जर्व का? इस फटाफट कमेंट कीजिएगा. दोज पीपल हु आर रेगुलर, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप मेरे को एक हफ्ता दे दोगे, आई विल मेक यू अ करंट अफेयर्स मास्टर. इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रमोट करो इस शो को और मैक्सिमम लोगों को मौका दो कि वो भी करंट अफेयर्स का मास्टर बन जाए. शेयरिंग इज केयरिंग, ये बात याद रखिएगा. 3rd of May को आपका होता है. प्लीज़ टेल मी हु वॉज अवॉर्डेड द यंग करियर रिसर्चर अवार्ड ऑन द 3rd of May. 3rd of May को ही DST ने अवार्ड दिया था यंग करियर रिसर्चर अवार्ड. दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू विच पर्सन? एंड द आंसर इज इट इज़ सौरभ लोधा. उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था. प्लीज़ एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ ICMR. ICMR का फुल फॉर्म ज़रा एक्सपैंड कीजिए. बिल्कुल सही, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही जवाब है. इंदिरा केसरी, 7th May को होता है BRO का फाउंडेशन डे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे. ठीक है, मेरा सवाल आपसे एक और बनेगा, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR, सेकेंड सवाल है. एंड थर्ड सवाल मेरा आपसे है कि हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR. देखो ICMR जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही, ये आपका जो है दैट इज़ कहाँ पर है ICMR आपका? फटाफट कमेंट कीजिएगा. बिल्कुल सही, दिल्ली में है और श्री डॉक्टर बलराम भार्गव जी इसके अध्यक्ष हैं. प्लीज़ टेल मी द वैक्सीन कैंडिडेट दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय भारत बायोटेक, जिसके लिए आपकी टेस्टिंग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की इस महीने शुरू की जाएगी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन कैंडिडेट दैट माइट बी द एंटीडोट टू द COVID-19 वायरस? एंड द आंसर इज इट इज़ कोवैक्सिन. बिल्कुल सही जवाब है. कोरोसिल नहीं है यार, मजाक क्यों कर रहे हो? कोरोसिल इज़ नॉट अ एंटीडोट, कोरोसिल इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर. पतंजलि योगपीठ ने लॉन्च किया है, वो एक COVID-19 वैक्सीन नहीं है. इस बात को प्लीज़ अपने 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 मम्मी पापा को बताइएगा, अपने दादी को बताइएगा, कोरोसिल इज नॉट अ वैक्सीन. यस, एंड माय क्वेश्चन इज वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ भारत बायोटेक, कहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं आपके भारत बायोटेक का? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ये आपके हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स हैं भारत बायोटेक के. प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ NIV. NIV का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. कहाँ पर है आपका ये? ये आपका पुणे में है. तो भारत बायोटेक, NIV पुणे ने मिलकर और ICMR ने मिलकर इस वैक्सीन कैंडिडेट को बनाया है एंड ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है. अकॉर्डिंग टू अ लीक रिपोर्ट,
15th August tak the ICMR has requested Bharat Biotech to make the vaccine, but according to various people guys aisa hona mushkil hai, ho sakta hai, but aisa hona filhal aapka mushkil hai. Aage badhte hain. Yes, which state has launched a locally produced millets in its child care and public distribution schemes? Kis rajya ne apni baal dekhbhal aur sarvajanik vitaran yojanaon mein sthaniya roop se utpadit bajra launch karne ki planning ki hai? Iska answer hai option C, that is Odisha. Ab zara aap se main khel leta hu yahan par KRQ, that is kuch related quiz. Aur yahan par mera aap se pehla sawal hai, bahut hi simple sawal hai. Which of the following state has launched Asha robots? कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में आशा रोबोट्स को दोस्तों लॉन्च किया है? इसका आंसर जो होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ केरला. बिल्कुल सही जवाब है आपका, केरला इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गाइस हैज़ लॉन्च्ड द आईफ्लोज फोरकास्टिंग सिस्टम? क्या नाम है इसका? आईफ्लो, जिसको लॉन्च किया गया है विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस. इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर थ्री, which of the following states chief minister has been given a animal protection award by PETA, jo prevention against treatment of animals hai, PETA ne inme se kis state ke cm ko diya hai ek animal protection award? uska answer hai aapka Odisha. Naveen Patnaik ji ko unhone ye samman dosto jo hai wo haal hi mein aapka diya hai. Which of the following state has launched world's first वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल? इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसने दुनिया का जो पहला वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल है ना उसको लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है आपके सामने दैट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ आंध्र प्रदेश. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, विद्या दीवना स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? विद्या दीवना स्कीम को इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया है? ये वही राज्य है जहाँ पर एक स्टार्टअप्स के लिए भी स्कीम लॉन्च की गई है. तो इसका आंसर अगेन आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका होने वाला है. गाइस अभी हाल ही में बेनिक्स या फेनिक्स केस काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, काफ़ी न्यूज़ में है. ये फेनिक्स केस आपका जो है विच इज़ रिगार्डिंग अ सन एंड अ फादर, ये केस आपका, ये कंट्रोवर्सी आपकी कहाँ पर है? तो उसका आंसर है आपका दैट इज़ इन तमिलनाडु, टुटुकोरिन आपका जो है. येस नरेशवी, आई होप आप इस केस के बारे जानते होंगे. एंड गाइज प्लीज़ स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, पुलिस लॉकर ब्रुटैलिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. येस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर इन कैनेडा? निम्नलिखित में से किसे कनाडा में पहली मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गई है? बेसिकली गाइस ये जो हैं ये बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्टा की, एंड इनका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ सलमा लखानी. अब मेरा सवाल आपसे है, अशरफ गनी क्या हैं? हु इज़ अशरफ गनी? मैं रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं परेशान ना हो, गिव मी अ वीक्स टाइम, आई विल मेक यू अ करंट अफेयर्स मास्टर. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस छोटे से चैनल को मौका दीजिए एंड इस शो को अपने दोस्तों को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए. बिल्कुल, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. हु इज़ एवारिस्ते दाएशिमिये? कौन है ये? ये न्यूज़ में है दोस्तों, एवारिस्ते दाएशिमिये कौन है? ओनली दोज पीपल हु आर रेगुलर वही आंसर कर पाएंगे. ये कौन है गाइस? एवारिस्ते दाएशिमिये ये न्यूज़ में है, अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बुरुंडी के दोस्तों आपके जो हैं, ही इज़ द न्यू प्राइम प्रेसिडेंट, और इनकी जगह जो प्रेसिडेंट थे ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, उस वजह से इनको बनाया गया है द न्यू प्रेसिडेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट, बुरुंडी के ये आपके प्रेसिडेंट हैं. हु इज़ कुबतबेक बोरोनोव? कुबतबेक बोरोनोव जो हैं, ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान. किर्गिस्तान के ये आपके न्यू प्रेसिडेंट हैं. और मुस्तफ़ा अल कदीमी, ही इज़ द न्यू हेड ऑफ इराक. इराक के ये नए प्राइम मिनिस्टर आपके बनाए गए हैं. मज़ा आ रहा है गाइस, एक बार ज़रा मेरे को लफ्ज़ा दे दीजिएगा एंड मैं समझूंगा कि आपको मज़ा आ रहा है. एंड कीप ऑन शेयरिंग, हमारा टारगेट है इस महीने टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स, और आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं कर पाएंगे. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंडप? किस मंत्रालय ने संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. अब ज़रा मेरे को फटाफट बता दीजिए इसके मिनिस्टर कौन हैं? इसके मिनिस्टर हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये इसके मिनिस्टर हैं. हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ MSME? फटाफट कमेंट कीजिएगा. इसके मिनिस्टर जो हैं दैट इज़ आपका श्री नितिन गडकरी.
अब जरा मैं आपसे खेल लेता हूँ MSME क्विज। एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ताकि वी कैन स्टार्ट विद द MSME क्विज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ MSME? MSME को नई नोटिफिकेशन के जरिए हम नया नाम क्या देते हैं? आंसर होगा आपका उद्यम। क्या नाम होगा आपका? आंसर होगा आपका उद्यम। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ अ मीडियम एंटरप्राइज? अगर हमें किसी कंपनी को, किसी एंटरप्राइज को मीडियम एंटरप्राइज बोलना है या मध्यम उसे उपक्रम बोलना है, तो ये मीडियम उद्यम के का क्राइटेरिया क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। हाँ, 250 करोड़ होना चाहिए। बिल्कुल सही, 250 करोड़, दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट। 50 करोड़ और 250 करोड़, दैट इज़ द रेंज। इन्वेस्टमेंट, आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME विच विल मेक द लोकल MSMEs इनटू ग्लोबल MSMEs या फिर ग्लोबल कंपनीज? उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का दोस्तों नाम है, येस दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द चैम्पियंस पोर्टल। ये उस पोर्टल का दोस्तों नाम है। एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM स्वनिधि? ये भी एक MSME स्कीम है जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा 10,000 rupees पर ईयर, जो कि लोन होगा, और उस पर 7% का सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी। एंड द आंसर इज, इट इज़ SIDBI, दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। गाइस, बहुत ही सही जवाब है आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल मेरा आपसे बनेगा, रिसेंटली विच रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन डेटा हैज़ गॉन ऑनलाइन? वो रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उसका आंसर है आपका NHAI, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। NHAI का जो डेटा है वो अब आपका ऑनलाइन चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट हैज़ बीन सेटअप बाई द साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन ओखला? ओखला में इनमें से SDFC के साथ मिलकर किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को दोस्तों सेटअप किया है? तो इसका आंसर जो है, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इसको यहाँ पर दोस्तों जो है वो सेटअप किया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्लीज़ टेल मी, एग्जिम बैंक ने अभी हाल ही में कौन से दो कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया है एक लेटर ऑफ क्रेडिट? कौन से वो दो कंट्रीज़ हैं जिनको प्रोवाइड किया है? इसका मैं आंसर आपको नहीं दूंगा, ये वही आंसर कर पाएंगे जो रेगुलर थे। और इसका आंसर अगर आप चाहें शो के बाद गूगल कर सकते हैं कि किनको दिया है। ठीक है, एक तो आपका मलावी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, एक मलावी है, और दूसरा आपका है निकार का हुआ। वेल डन, आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव अ बिग थम्स अप गाइज। अगर ये आप आंसर कर पा रहे हो ना, यू आर ब्रिलियंट, यू आर वेरी वेरी गुड गाइज, एंड दिल गार्डन हो गया मेरा। यस, इट इज़ मलावी एंड निकार का हुआ, ये दो आपके यहाँ पर वो आपके देश हैं। That is absolutely correct, guys. क्या बात है, मज़ा आ गया guys. चलिए guys, and keep on sharing the video. We have to cross 500, we have to cross 1000. All right, हाँ. Which of the following state has launched a Skill Connect Forum recently? इनमें से किस राज्य ने हाल ही में एक कौशल कनेक्ट फोरम को शुरू किया है? उत्तराखंड, कर्नाटका, UP, छत्तीसगढ़, या फिर आपका झारखंड? और ये आंसर जो आपके सामने है, दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर का, इज़ कर्नाटका आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। एक सवाल यहाँ पर और बनेगा, चलते हैं हमारे आज के स्टेट क्विज पे। स्टेट क्विज पे पहला सवाल मेरा आपसे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट विल हैव द फर्स्ट लिचेन पार्क? पहला जो लिचेन पार्क है वो इनमें से किस स्टेट में आपका पाया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज, इट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका यहाँ पर सही जवाब है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, बहुत ही सिंपल सवाल है, नीलांबर पीताम्बर स्कीम, बिरसा मुंडा स्कीम एंड वीर शहीद पोतो स्कीम, ये तीन स्कीम्स कहाँ पर लॉन्च हुई हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, कौन सा वो स्टेट है जो अब सेकेंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा? कौन सा वो स्टेट है दोस्तों जो सेकेंड नंबर पे है? तो इसका आंसर जो है, दैट इज़ आपका छत्तीसगढ़। और नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है अब, नया स्टेट कौन सा है? एंड इसका आंसर जो है, मेरा नाम है कुश, KUSH, मेरा नाम है श्री 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 1008 कुश पांडे, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, उस स्टेट का नाम है आपका मेरा प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, मेगा संदेशा ऐप, प्राण वायु प्रोग्राम एंड हैक साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन,
ये आपके कौन से स्टेट के हैं, मेगा संदेशा हो गया या प्राणवायु हो गया या फिर आपका कुछ भी या फिर आपका हैक हो गया, ये कहाँ के हैं? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ कर्नाटका. वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, इनमें से किस तारीख को हर साल हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज द 2nd of July. एक सवाल बनेगा, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे आपका इनमें से कौन सी तारीख को होता है? विच इज़ द डे व्हेन वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे? तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे आपका ऑब्जर्व होता है ऑन द 30th of June. 30 जून को हम इसको दोस्तों मनाते हैं. वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, इनमें से कौन सी तारीख को आपका वर्ल्ड विंड डे होता है? द आंसर इज आपका 15 जून. प्लीज टेल मी द 3 days विच आर ऑब्जर्व ऑन 21st of June. 21 जून को वो 3 दिन आपके कौन से होते हैं? तो पहला दिन आपका होता है इंटरनेशनल योगा डे, सेकेंड डे आपका होता है हाइड्रोग्राफी डे, एंड थर्ड डे आपका होता है, क्या थर्ड डे क्या होता है आपका, विच इज द थर्ड डे गाइस, हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये आपका इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. बिल्कुल सही जवाब है. एंड 19 जून को क्या होता है? 19 जून को आपका होता है द सिकल सेल डिजीज डे. विच डे गाइस? द सिकल सेल डिजीज डे. ऑलराइट, ओके. एक सवाल मेरा आपसे है, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेगुलर सिंस द पास्ट 1 week? प्लीज गिव मी अ येस, फटाफट. आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हु द कैंडिडेट्स आर हु आर वेरी वेरी सीरियस. प्लीज कमेंट कीजिएगा कौन रेगुलर है 1 हफ्ते से. प्लीज गिव मी अ येस सर, फटाफट फटाफट एवरीवन. ओके ओके, रेगुलर इन मार्च, ओके एवरीवन इज फटाफट. एंड प्लीज टेल मी हु आर दोज पीपल जिनका फर्स्ट डे है, गिव मी अ लव साइन, जिनका आज फर्स्ट डे है, जिनका फर्स्ट डे है. मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, आज के बाद लगातार आना, बिकॉज यू विल गेट बेटर, दैट इज़ माई गारंटी टू यू. समझ रहे हैं आप लोग? आज के बाद लगातार आना, ठीक है? कल नहीं आए थे, ये आपकी प्रॉब्लम है दिव्या. चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ रिलीज्ड द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंड रिसेंटली, इनमें से उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस का हैंडबुक जारी किया है. MSME, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं. हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की बात करें तो इट इज़ रविशंकर प्रसाद. अब यहाँ पर वही सवाल बनेंगे आपके, पहली बार सवाल बनेगा कौन से सेक्शन IT एक्ट के जरिए ऐप्स को बैन किया गया है. द सेक्शन इज 69A, दैट इज़ द सेक्शन. कितनी ऐप्स को बैन किया गया है? द आंसर इज 59. ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है. हाँ, पटना साहिब से ये दोस्तों सांसद हैं. हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इनमें से कौन आपके मिनिस्टर हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के? तो उसका आंसर जो होगा दैट इज़ DV सदानंद गौड़ा साहब. वो आपके सांसद हैं, वो आपके मिनिस्टर हैं ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. कहाँ से सांसद हैं आपके श्री DV सदानंद गौड़ा, कहाँ सांसद हैं फटाफट कमेंट कीजिएगा. हाँ, लॉ मिनिस्टर भी आपके रविशंकर प्रसाद हैं. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. नॉर्थ बैंगलोर से आपके MP हैं मिस्टर DV सदानंद गौड़ा. Who has been appointed as the interim chairman of the International Cricket Council succeeding Shashank Manohar? Shashank Manohar ke baad Antarrashtriya Cricket Parishad ke antarim adhyaksh ke roop mein inme se kin ki niyukti hui hai? And the answer is it is option C, that is Imran Khwaja. Aage badhte hain. Which of the following ministry has launched the world's first ever online BSc degree in programming and data science? Kis mantralay ne vishw ka pehla online BSc programming और डेटा साइंस में डिग्री हासिल की है? HRD, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOSPI, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और इसका जवाब आपके सामने जो है दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. HRD मिनिस्ट्री ने इसको दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है. बिल्कुल सही जवाब है आपका इस सवाल का. चलिए फटाफट आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनमें से दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, हाउसिंग वित्त कंपनी का इनमें से नियामक कौन है? एंड द रेगुलेटर गाइस इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ दी NHB. अगर हम RBI की बात करें तो RBI रेगुलेटर है आपके बैंक्स का, ये रेगुलेटर है आपके NBFCs का. SEBI की बात करें, रेगुलेटर है आपके कैपिटल मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंजेस का, कमोडिटी एक्सचेंजेस का, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, म्यूचुअल फंड्स का, वेंचर फंड्स का, इन सब का रेगुलेटर है.
नबार्ड की बात करें तो रेगुलेटर है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है, फाइनेंसिंग है, उसका ये रेगुलेटर है। और सिडबी जो है रेगुलेटर है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज का फंड फाइनेंसिंग का, उसका आपका जो रेगुलेटर है वो आपका सिडबी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। सो गाइस 15 out of 15, अगर आप 50-15 हैं तो आप क्या हैं, यू आर कुछ सर चैम्पियन, ये आप इसके चैम्पियन हैं। और अगर आपका 14 or 15 है तो आप क्या हैं, तो आप दोस्तों हैं डैनियल डे लुइस, जो लोग नहीं जानते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। अगर आपका 13 on 15 है तो आप लियोनार्डो डी कैप्रियो हैं। और अगर आपका 12 or 15 है तो आप तुषार कपूर हैं। और अगर 12 से कम है भाई तो आप, अब आप समझ जाओ आप क्या हैं, बाकी मेरी तो नहीं, पर गाइस 15 or 15 लाने पे ही यू विल बिकम द कुसर चैम्पियन। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करें। अब ले चलें आपको हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट NBFC स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, इनमें से कौन सा कथन आपका दोस्तों NBFC स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है? एंड द आंसर इज इट इज़ अब क्या हो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है? एंड द आंसर गाइस ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन C 1 and 2। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस आएगा, ना कि साइंस एंड टेक आएगा, बाकी दोनों आपका सही है, थर्ड वाला आपका यहाँ पर गलत है। सो गाइज आई होप यू ऑल इन्जॉय द सेशन, है ना। और अब मैं चाहता हूँ फोकस करें हम हमारे आज के बिग स्टोरीज पे, एंड देन हम फोकस करेंगे 3rd and 4th July द हिंदू पर, एंड आखिरी में हम फोकस करेंगे ऑन द डेली करंट अफेयर्स। आई होप एवरीवन इज़ रेडी फॉर आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो आज की खबर दोस्तों है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द इटालियन मरीन केस। ये आज की खबर हमारी पहली है जो कि इटालियन मरीन्स केस के ऊपर दोस्तों आने वाली है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका एक केस बन के सामने आया है। सो गाइस अकॉर्डिंग टू PCA इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच स्टैंड्स फॉर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने इंडिया की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया है। अब सवाल आएगा डिमांड इंडिया की क्या थी, द डिमांड ऑफ इंडिया गाइस व these Italian soldiers, these Italian marines who are accused of killing Indian fishermen, they should be tried in India. उनका जो केस है उसे इंडिया में ट्राई किया जाए। तो इस पर्टिकुलर डिमांड को द PCA, दैट इज़ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने इस डिमांड को कैंसिल कर दिया है, पहला चीज। सेकेंड चीज़, दिस इशू का इज़ ऑफ 2012, 2012 में आपका इशू आया जब 2 Italian marines दे mistakenly killed shot 2 Indian fishermen, उनको लगा those are pirates and they mistakenly shot those particular Indian fishermen, and तब से लेकर they were in India. After couple of years, after 2015, they were allowed to go to Italy to celebrate Christmas and everything else, but since then they are in Italy and उन पे अभी इंडिया में जो केसेस हैं उनको बंद करने की बात यहाँ पर कही है। Having said this, एक सिल्वर लाइनिंग, देर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग गाइज, यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि द PCA, दैट इज़ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ने कहा है कंपनसेशन शुड बी गिवन टू दी किल्ड फार्मर्स, जो किल्ड फिशरमैन हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। ये मुआवजा इटली की सरकार और PCA आपका प्रोवाइड करेगी। सो ओवरऑल ऑल इज़ नॉट लॉस्ट गाइज, बट ये झटका तो है, बिकॉज नाउ दे विल नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। ठीक है, इस वजह से ये आपका न्यूज़ में बने हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। The Permanent Court of Arbitration has rejected India's demand. India's demand was for the soldiers who were accused of killing Indian fishermen to be tried in the Indian courts. 2012 में 2 Italian marines, उनके जो कि ऑयल टैंकर एनरिका लेक्सी पर दे वर पोस्टेड, दे शॉट 2 Indian fishermen. Italy moved to the International Tribunal for Law of the Sea, जहाँ पर there was a stay on their process in India. These marines then were shifted to Italy. और इंडिया और इटली के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए थे, एंड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द ITLOS, दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इटली और इंडिया ने सस्पेंड कर दिए थे अपने रिश्ते बिकॉज ऑफ द एनरिका लेक्सी के। सो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडियाज डिमांड हैज रिजेक्टेड, नंबर वन, बट कंपनसेशन दिया जाएगा टू द किल्ड फिशरमैन्स फैमिली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज़ अ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये PCA होता क्या है? देखिए, PCA बेसिकली इट्स अ बॉडी विच इज़ फॉर्म फॉर
एनी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है उसको देखने के लिए आपका बना है. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1899 एंड हेग जो शहर है वहाँ पर इसके आपके मुख्यालय आपके बनाए गए हैं, याद रहेगा आप सबको. सो ये PCA के बारे में हमने आपको बता दिया. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. इट नाउ गाइस, इट इज़ अ बिटर स्वीट हेडलाइन जो अभी आपके सामने खबर है. इट इज़ समथिंग दैट शुड, दैट इज़ लॉजिकल, बट दैट ऑल्सो माइट बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल. और ये खबर दोस्तों जो है दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज. द मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ कैटेगोरिकली सेड दैट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग RFQs. उन्होंने RFQs को मंगाना शुरू कर दिया है. Now, what are RFQs, guys? RFQs are request for qualification. क्या फुल फॉर्म है इसका? I want everyone to comment. Request for qualifications. इसको उन्होंने मंगाना शुरू कर दिया है. And the reason why इसको मंगाना शुरू कर दिया है, ताकि private players can start operating passenger train services. जो passenger trains हैं, उनको private companies आपका manage करना start कर दें. According to this privatization project, जो इनका एक vision है Ministry of Railways का, according to this project, at least 151 trains will be given to the private companies, and these trains will run on 109 train routes. 109 train routes पर ये trains आपकी apply करेंगी, और इसके लिए ये आपका एक उन्होंने advice किया है. According to the same ministry guys, उन्होंने कहा है 5% of the trains will be managed by the private companies, but 95% of the trains will be continued to manage by the Indian Railways. तो ये एक बड़ी खबर है guys कि 5% जो trains हैं उनको दिया जाएगा to private operations, but 95% जो trains हैं they will still remain with the Indian Railways. And overall जो expected investment है that is 30,000 crore. 30,000 crore का यहाँ पर investment दिया गया है. मैं आपको आखिरी बार फिर से repeat करता हूँ, RFQ जारी किए गए हैं. RFQ का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस. बेसिकली जारी किए गए हैं फॉर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, ताकि वो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड देयर एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन दिए जाएंगे फॉर पैसेंजर ट्रेन मैनेजमेंट. ओवरऑल 151 ट्रेन्स को मैनेज करने को दिया जाएगा. दीज ट्रेन्स विल रन ऑन 109 ट्रेन रूट्स, और 5% ऑफ ट्रेन्स को मैनेज किया जाएगा बाय प्राइवेट कंपनीज. एंड जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है दैट इज 30,000 crore का इन्वेस्टमेंट आपके सामने एक्सपेक्टेड है. जो मैंने अभी आपको बताया वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. दिस इज द टोटल डिटेल इन द टेबल फॉर्म जो कि आप यहाँ पर याद कर सकते हैं. दिव्या शर्मा, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और अ प्राइवेट मैनेजमेंट इज द टाइमिंग ऑफ रेलवेज, द मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज एंड द पेनल्टी ऑफ रेलवेज. अगर प्राइवेट आएगा तो इससे क्वालिटी बढ़ेगी रेलवेज की, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में हो, चाहे वो उस पर्टिकुलर ट्रेन के क्वालिटी में हो. इसका ड्रॉबैक ये है कि द फेयर मे गो अप, जो फेयर होगा ना वो आपका बढ़ सकता है. सो देर आर बोथ द केसेस. देखो अगर आपको अच्छा करना है ना तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है 5% ऑफ द ट्रेन्स विल रन, 95% आपका होगा. ऑलराइट, सो दैट इज द डिफरेंस. समझ में आ गया आपको? यस. आगे बढ़ते हैं. द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ. दिस कमीशन गाइस हैज अप्रूव्ड मिसाइल सिस्टम्स एज वेल एज फाइटर जेट्स. इन्होंने मिसाइल सिस्टम्स को परचेज करने और फाइटर जेट्स को परचेज करने का परमिशन दिया है. Overall, 33 fighter jets will be purchased, जिनमें आपका 21 होगा MiG-29, then we'll have 12 Sukhoi 30 MKI, और इनको purchase किया जाएगा from हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL से इनको purchase किया जाएगा. अगर हम बात करें मिसाइल सिस्टम्स की, तो मिसाइल सिस्टम्स में सबसे पहले purchase किया जाएगा आपका पिनाका, सेकेंड purchase किया जाएगा आपका असरा, एंड थर्ड परचेज किया जाएगा आपका लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम. मैं इसको आपको दिखा दूंगा आपको अभी टेबल फॉर्म में, पर मैं रिपीट फिर से कर दूं. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है दैट विल बेसिकली हैज़ अलाउड फॉर द परचेज ऑफ मिसाइल सिस्टम्स अलॉन्ग विथ फाइटर जेट्स.
33 फाइटर जेट्स होंगे, उसमें 21 MiG-29 होंगे एंड 12 विल बी सुखोई HALs, ठीक है। मिसाइल सिस्टम्स में पिनाका होगा, आस्त्रा होगा और लैंड अटैक आपका क्रूज मिसाइल होगा। गाइस यहाँ पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, द अप्रूवल हैज़ बीन गिवन बाय द DAC। नाउ व्हाट इज़ द DAC गाइस? DAC इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसकी जो सर्वोच्च बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज द DAC। दिस बॉडी इज़ लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हरसेल्फ एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं वो इसकी दोस्तों चेयरमैन होती हैं। तो आइए स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, देखिए ये रहा आपके सामने। ओवरऑल जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी 39,000 करोड़ इसकी दोस्तों जो है वो कॉस्ट आपकी आने वाली है। ये टेबल फॉर्म में आप जो मैंने बताया आपको उसको आप देख सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर प्लीज़ टेल अस इन डिटेल अबाउट व्हाट इज़ पिनाका, व्हाट इज़ अस्त्रा, व्हाट इज़ LACM। तो मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा कि ये अलग अलग आपके जो एमिनेशंस हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये आपकी क्या क्या होती हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं पिनाका की। पिनाका इज़ अ ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर एंड अ फ्री फ्लाइट मिलिट्री आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये सभी मौसम, अप्रत्यक्ष आग, मुफ्त उड़ान तोपखाने के साथ सुसज्जित है। इट इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉकेट सिस्टम। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, दैट इज़ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक रॉकेट होगा, एक मल्टी बैर रॉकेट लॉन्चर होगा, एक बैटरी कमांड पोस्ट होगा, इट विल हैव अ लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल होगा। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ भारी भरकम डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये जो हेडलाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन एंड नंबर टू फॉर SSC। बैंक में जितना मैंने यहाँ तक बताया उतना ही बैंक में आएगा, पर ये जो अब बता रहा हूँ मैं आपको ये डिफेंस और SSC में ज़्यादा आएगा। ऑलराइट, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। फिर आता है आपका अस्त्रा मिसाइल। नाउ गाइस अस्त्रा मिसाइल की बात करें, अस्त्रा मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, अगेन विच स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हमारी जो क्षमता है देखने की उसके ऊपर ये आपका 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 ये वर्क करता है। सो बेसिकली इट्स अ फार रीचिंग मिसाइल जो कि ये एयर टू एयर मिसाइल है और इट हैज़ द केपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द एनिमी टारगेट्स विच आर बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसके पास ये क्षमता है कि दुश्मन के वो ठिकाने जिन्हें हम दृश्य सीमा से अपनी आंखों से देख नहीं सकते उनको ये नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो उसका नाम है आपका दी अस्त्रा मिसाइल। एंड देन गाइस वी हैव द DAC। DAC बेसिकली इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समझ में आ गया, मज़ा आ गया, everyone please give me a thumbs up। Let's proceed now to the next headline। नेक्स्ट हेडलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन गाइस। अकॉर्डिंग टू द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम रशियन संविधान की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एनी रशियन प्रेसिडेंट इज अलाउड अ मैक्सिमम 2 term फॉर अ प्रेसिडेंट विच इज अ 6-year term, ठीक है, विच इज अ 6-year term। And according to this constitution, 2024 should be the last year when Mr. Iron Man, Mr. Vladimir Putin, he should resign. But more than 77% people have voted for a new Russian constitution. Ek naya Russian constitution dosto banaya gaya hai and multiple new policies have been implemented. कई new policies को यहाँ पर implement किया गया है. Out of the new policies, the highlight of the new policy is that since it is a new constitution, 2024 के बाद the term will be counted as the first term for Vladimir Putin. मतलब अगर ये referendum pass हो गया है, अब 2024 के बाद if Vladimir Putin remains wants to become again the president, then the first tenure of his presidentship will be counted since 2024. आप समझ रहे हैं क्या मजाक चल रहा है? 2024 से फिर नया टर्म काउंट किया जाएगा। सो कैटेगोरिकली द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल हैज अ 2-year term, 2-year term ही रहेगा, मतलब 6 साल का। पर जो अभी कर रहे ना, अभी क्या है, अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अभी वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। His actual term will start in 2024. हाय रब्बा, क्या मजाक है, बट फिर भी है। सो ये एक नया कंसेप्ट है। इसके अलावा कई और पॉलिसीज़ को भी चेंज किया गया है, तो उनकी बात हम आपके सामने यहाँ पर करने वाले हैं। देर आर लॉट्स ऑफ पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल
मिनिमम पेंशन को इंक्रीज करना, गे मैरिज को बैन करना, टॉप ऑफिशियल्स को ड्यूअल सिटीजनशिप से अवॉइड करना, तो कई तरह के चेंजेस को यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने, देर आर अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैव बीन पास्ड। पहला अमेंडमेंट है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ व्लादिमीर पुतिन। सेकेंड है गवर्नमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग अ हायर मिनिमम पेंशन एंड वेजेस। बैन ऑन गे मैरिजेस। रिस्ट्रिक्टिंग टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम होल्डिंग टू अ सिटीजनशिप। रेफरेंडम के जरिए से किया गया है। रेफरेंडम बेसिकली इट्स अ डायरेक्ट एंड यूनिवर्सल वोट, जहाँ पर पूरा इलेक्टोरेट वोट करता है एक प्रपोजल पे। तो यहाँ जो प्रपोजल है दैट इज़ टू रिनोवेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रिनोवेट करने के लिए इसे यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर आइए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स ये किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बार प्रेसिडेंट बनने से रोकता है, टर्म बनने से रोकता है। इस रेफरेंडम के जरिए अब जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके पास दो नए सिक्स ईयर टर्म्स मिलेंगे, जिसका मतलब है 2036 तक ही विल रिमेन द प्रेसिडेंट। थर्ड, द प्रपोज चेंजेस विल ऑल्सो गिव आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो बाय द सुप्रीम। ऑलरेडी पार्लियामेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास किया है। इस पर्टिकुलर चेंज से जो वहाँ की स्टेट काउंसिल है, जो कि फिलहाल एक एडवाइजरी बॉडी है, उसकी पावर्स भी आपकी इंक्रीज होने वाली हैं, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के भूले बिसरे एमसीक्यू पे। आई एक्सेप्ट, बाकी चैनल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट देर आर सर्टन हेडलाइंस जो हर कोई सीए टीचर, हर कोई करंट अफेयर्स का एजुकेटर मिस कर जाता है ना। तो मेरी कोशिश होती है टू मेक अ परफेक्ट शो। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद मेरे से कल मिस हो गए थे, या हेडलाइंस हैं जो कल मिस हो गए थे, या कल या दो दिन मिस हो गए थे, उनको हमने यहाँ पर दोस्तों इस पर डिस्कस किया है। सो दीज आर फॉरगॉटन एमसीक्यूज एंड एनालिसिस। तो ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। अ वेरी रेयर रेड कोरल कुकरी स्नेक वॉज स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। बहुत दुर्लभ लाल कोरल कुकरी सांप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ पर दोस्तों इसको जो है वो देखा गया है, पहला आंसर। सवाल मेरा बनेगा ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वेयर इज तदोबा अंधेरी, ये आपका महाराष्ट्र में है। वेयर इज राजाजी गाइस, ये आपका उत्तराखंड में है। वेयर इज डिब्रू साइकोबा गाइस, ये आपका असम में है। और भितरकनिका कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। ये सारे ही जो आपके नेशनल पार्क्स हैं ये आपके न्यूज़ में हैं, इसीलिए मैंने इनको ऑप्शंस में आपको दिया है। अगर हम इसके हेडलाइन की बात करें, बेसिकली दिस इज़ अ रेप्टाइल, ये एक रेप्टाइल का एक स्पीशीज़ है। बेसिकली इसका जो दांत होते हैं ना, इसके जो टीथ होते हैं, दीज टीथ बेसिकली आर शेप लाइक अ नेपाली खुकरी, एक जो नेपाली चाकू होता है ना खुकरी, उसकी तरह होते हैं। और दिस टीथ इज़ यूज्ड बाय दिस रेप्टाइल टू ब्रेक एग्स। ये रेप्टाइल को पहली बार देखा गया था दुधवा में इन 1936, और लास्ट इसको देखा गया था आफ्टर अ गैप ऑफ 82 ईयर्स। तो इस वजह से ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ इंदिरा मणि पांडे। गाइज, इससे पहले जो आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे टू द UN, उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। राजीव टोपनो साहब कौन है, ये वर्ल्ड बैंक में एडवाइज़र हैं। ईरा जोशी कौन है, ये डायरेक्टर जनरल हैं आपकी प्रसार भारती की, डायरेक्टर जनरल हैं आपके AIR के और इंडिया रेडियो की, ये आपकी डायरेक्टर जनरल हैं। इस वजह से ये आपकी न्यूज़ में है। वेन इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आपका कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द 1st of July। 1 जुलाई को इसको हम हर साल आपका मनाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑन 1st July 1949 को आपका CA का जो ऑफिशियल बॉडी है दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी फॉर्म हुई थी। बेसिकली इट इज़ द नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इट इज़ द ओनली लाइसेंसिंग कम रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। और ओनली अ मेंबर ऑफ द ICAI कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी का ऑडिट करना है तो उसके लिए ICAI का मेंबर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। IOC हैज़ सेट अप अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर ऑन इट्स एज इट्स सेकेंड R&D कैंपस इन दिस सिटी।
आईओसी ने इनमें से किस शहर में अपना दूसरा आरएनडी कैंपस के रूप में एक प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती केंद्र जो है उसको दोस्तों की स्थापना की है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर लखनऊ? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ फरीदाबाद में इसकी स्थापना दोस्तों जो है वो की गई है। बिल्कुल सही है जवाब है आपका, इट्स नॉट हैदराबाद, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं। द ओकावांगो डेल्टा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ओकावांगो जो डेल्टा है वो इनमें से किस देश में स्थित है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज बोत्सवाना में आपका ये स्थित है। अगर हम इस हेडलाइन की बात करें तो रीज़न वाई आपका ओकावांगा डेल्टा न्यूज़ में, द रीज़न वाई ओकावांगो डेल्टा इज इन न्यूज़ बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट जो हैं दे हैव डाइड मिस्टीरियसली इन ओकावांगो डेल्टा। 100 से अधिक जो हमारे हाथी हैं उनका यहाँ पर डेथ हुआ है और इनका जो कॉज ऑफ डेथ है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ये जो आपका डेल्टा है, दिस डेल्टा गाइस इज़ अ पार्ट ऑफ द कालाहारी डेजर्ट जो कि आपका शुरू होता है, और ये जो वर्ड डेल्टा का आया है इट हैज़ कम फ्रॉम द ओकावांगो रिवर इन बोत्सवाना। बोत्सवाना आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि सदर्न अफ्रीका में पड़ती है, और 70% जो उसकी टेरिटरी है इट इज़ कवर्ड बाय द कालाहारी डेजर्ट। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ी एलिफेंट की पॉपुलेशन है जो करीब 130,000 है, और इट इज़ द ओल्डेस्ट अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ डेमोक्रेसी। लगातार डेमोक्रेसी रहने में ये आपकी सबसे बड़ी एक कंट्री आपके सामने बनी हुई है, याद रहेगा आप सबको गाइज, मज़ा आ रहा है। चलिए ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं रिपीट फिर से करूंगा गाइज, द रीज़न वाई आई हैव डिस्कसिंग द भोले बिस्से एमसीक्यू इज बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर एवरीथिंग पॉसिबल। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ लगातार आप बनते रहें और लगातार शो को प्रमोट करते रहें अपने दोस्तों के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे आज के द करंट अफेयर्स एनालिसिस में फ्रॉम द हिंदू ऑन द 3rd of July, और ये रही आपके सामने हमारी पहली खबर। इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कैपिटल। भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है उसको ILPS हॉस्पिटल वसंत कुंज में दोस्तों लॉन्च किया है, एंड यहाँ पर प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज़ का जो एक बैंक है उसको ILBS जो हॉस्पिटल है वसंत कुंज में वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा परिणीता जी, पुरानी खबर है पर क्योंकि मैंने कल नहीं कराया था आपको द 3rd of July इसलिए मैं आपको आज करा रहा हूँ। ठीक है परिणीता जी, यस आगे बढ़ें। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं गाइस आज के डिस्कशन में, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो आपका कम हुआ है। द रीज़न वाई कम इसलिए हुआ है बिकॉज इंडिया ने जो इम्पोर्ट था ना इम्पोर्ट करना उसको दोस्तों कम कर दिया है। अब आपका सवाल आएगा कि सर व्हाट इज़ अ ट्रेड डेफिसिट, आखिरकार एक ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? व्हेन द इम्पोर्ट ऑफ आइटम्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ हायर एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ लोअर, देन द डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज द ट्रेड डेफिसिट। जब भारत में जो चीज़ें आयात होती हैं वो चीज़ें आपकी, जब चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट आपका कम हो, तो जो ये डिफरेंस है आपका ट्रेड में आपके इस बिज़नेस में उसे कहा जाता है आपका ट्रेड डेफिसिट। तो जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है दैट हैज़ गॉन डाउन टू $48.66 billion, जो कि अच्छी खबर है हमारे लिए बिकॉज वी वॉन्ट टू बी आत्मनिर्भर, और ये बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर हम फिगर्स की बात करें, एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो 2019 फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट चाइना के थे हमारे इंडिया से $16.6 billion और हमने इम्पोर्ट किया था चाइना से, द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना गाइज वॉज $65.26 billion। तो जो डिफरेंस था वो आपका यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट था। इसके अलावा जो FDI है चाइना से फॉर 2019, दैट FDI इज़ $163.78 million, तो ये भी कम हुआ है। तो सब कुछ कम हुआ है जिस वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका कम हुआ है। एक सवाल मैंने आपसे यहाँ पर बनेगा कि विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI कौन सा देश करता है, ये मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में करता है। आगे बढ़ते हैं। सी रंगाराजन हु इज़ द फॉर्मर RBI गवर्नर, ही हैज़ बीन अवार्डेड द PC महालनो बेस्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन दी नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। ये फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, इनका नाम है सी रंगाराजन।
और इनको अभी हाल ही में दिया गया दी पीसी महानोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेरा सवाल आपसे बनेगा कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका ऑब्जर्व कब होता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, 9 जून को आपका ये ऑब्जर्व किया जाता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, यूपी में एक आपका फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम है आपका द शिवालिक फॉरेस्ट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों द शिवालिक फॉरेस्ट। अच्छा, अब एक बात समझिएगा दोस्तों यहाँ पर कि एक तो आपका है कॉर्बेट, जो कि आपका है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। और एक आपका जो है दैट इज दी राजा जी। अब इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पर आपके जो टाइगर्स हैं वो नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दे आर रिक्वेस्टिंग द उत्तराखंड गवर्नमेंट कि इस रीजन के बीच जो आपका शिवालिक फॉरेस्ट पड़ता है, प्लीज़ रिलोकेट द टाइगर। जो टाइगर्स आपके बड़ी मात्रा में हैं राजा जी में भी और कॉर्बेट में भी, इन दोनों ही एरियाज़ के जो टाइगर्स हैं उनको स्प्रेड किया जाए इन द शिवालिक फॉरेस्ट। ये जो शिवालिक फॉरेस्ट है दे लाई इन द सहारनपुर सर्कल ऑफ उत्तर प्रदेश, और इनको पॉपुलेट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि अगर इफ़ द शिवालिक फॉरेस्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ टाइगर रिजर्व, अगर इसे हम एक टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करते हैं, अगर ऐसा होता है देन इट विल बी द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ यूपी। यूपी का ये चौथा आपका टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर आपके अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एंड वी ऑल्सो हैव दी दुधवा टाइगर रिजर्व। ऑलरेडी ये तीन टाइगर रिजर्व हैं, एंड इफ दिस रिजर्व हैपन्स इट विल बी द फोर्थ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर स्क्रीन पे इसके बारे में इसका टेबल फॉर्म में डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पहला बनेगा मेरा आपसे, गुरु घासीदास इज ऑल्सो वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स, ये रिजर्व आपका कहाँ पर बना है? एंड द आंसर इज इट इज़ आपका छत्तीसगढ़ में आपका ये बना है। कहाँ बना है आपका ये? छत्तीसगढ़ में आपका बना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर्स आर देर इन द कंट्री गाइस एज पर द लेटेस्ट सर्वे? द आंसर इज 2967। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम टाइगर्स? एंड द आंसर इज इट इज मध्य प्रदेश विच हैज़ 526 टाइगर्स, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके अगले हेडलाइन पर। ओके नाउ गाइस, इस पूरी खबर में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ क्या याद करना है। यहाँ पर यू हैव टू ओनली रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, एंड द नेम ऑफ द बुक हियर गाइस, जो यहाँ पर बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का जो नाम है, इट इज़ अ टेल ऑल बुक, और इस बुक का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ। क्या बुक का नाम है? टू मच एंड नेवर इनफ, दैट इज़ द नेम ऑफ द बुक। एंड दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय मैरी ट्रंप। मैरी ट्रंप गाइस इज़ द नीस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एंड इन्होंने इस बुक में कई सारे शॉकिंग इन्होंने यहाँ पर बातचीत रखी है। तो इस बुक का नाम है Too Much and Never Enough. There is a book written by Miss Mary Trump. Now my question to everyone is, recently another book also was launched which provided shocking details about the Trump administration. अभी हाल ही में एक और बुक आई है जिसमें कि कुछ डिटेल्स दी गई हैं अबाउट दी शॉकिंग डिटेल्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा सवाल आपसे है, उस बुक का नाम क्या है पहला, एंड उस बुक को लिखा किसने? देखिए, उस बुक के ऑथर हैं आपके जॉन बोल्टन। उस बुक का नाम क्या है? द रूम वेयर इट ऑल हैपेंड। क्या बुक का नाम है? द रूम वेयर इट ऑल हैपेंड, दैट इज द नेम ऑफ दैट बुक। द रूम वेयर इट हैपेंड, दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, याद रहेगा आप सबको। अच्छा, इसके अलावा मेलानिया ट्रंप के ऊपर भी एक बुक आई है, इट इज़ एन बायोग्राफी रिटन बाय अ पर्सन ऑन मेलानिया ट्रंप। तो तीन बुक्स आपकी आई हैं, उनकी बुक्स के नाम आपको याद करने हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक का जो इंस्टेंट ऑटो लोन है उसे स्प्रेड किया गया है टू मोर कस्टमर्स, एंड इसे स्प्रेड किया गया है और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑटो लोन का दोस्तों जो नाम है वो नाम है आपका दी जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन्स। क्या नाम है इसका? द जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन्स विच हैज़ बीन स्प्रेड टू 1000 cities, 1000 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। और इस पर्टिकुलर ये जो आपका ऑटो लोन है
ये आप विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको ले सकते हैं और इसको अब 1000 से शहरों में आपका लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा, जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन इज़ एन ऑटो लोन फैसिलिटी गिवन बाय विच बैंक। तो जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन फैसिलिटी जो है इसको HDFC बैंक ने दोस्तों आपका लॉन्च किया है, याद रहेगा आपको, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस में। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आर यू ऑल इंजॉइंग द सेशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ सब कुछ कवर हो जाए। ऑल राइट, चल जो पहली खबर दोस्तों यहाँ पर आ रही है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ICMR। अकॉर्डिंग टू द ICMR डेटा रिलीज्ड बाय द अकॉर्डिंग टू अ डेटा लीक्ड ऑफ द ICMR, बलराम भार्गव जी हैज़ रिक्वेस्टेड भारत बायोटेक टू लॉन्च द वैक्सीन बाय August 15। हैविंग सेड दिस, ऐसा मुश्किल है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, ऐसा मुश्किल है कि 15 अगस्त तक हो, बट बलराम भार्गव हैज़ रिक्वेस्टेड दी भारत बायोटेक टू लॉन्च इट ऑन 15th of August। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। इस ई पोर्टल का दोस्तों जो नाम है दैट इज़ लीड, जहाँ पर लीड का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ये इस पोर्टल का दोस्तों नाम है। दिस पोर्टल विल कंसिस्ट ऑफ 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स फ्रॉम क्लास 1 to 12। इट विल कंसिस्ट ऑफ CBSE एंड दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके कंटेंट में आपका टेक्स्ट बुक्स होगा, वीडियोस होंगे, क्वेश्चंस होंगे और इवैल्यूएशन आपका यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा, लीड द ई लर्निंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा आपका द स्टेट और द यूटी गाइज इज़ द यूटी ऑफ दिल्ली, याद रहेगा आपको। लीड का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट डाटा ऑफ द इंस्टाग्राम रिच, एंड दिस डेटा में कुछ आपका चेंज आया है। अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑन इंस्टाग्राम, अगर हम इसके हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की बात करें, द नंबर वन रैंक सेलिब्रिटी गाइज राइट नाउ इज द रॉक। इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, यस द रॉक, द ड्वेन द रॉक जॉनसन इज एट नंबर वन एंड ही हैज़ रेक्ड $1 million पर पोस्ट, क्या बात है। ऑन सेकेंड वी हैव काइली जेनर, शी इज़ ऑन द सेकेंड स्पॉट, शी इज़ ऑल्सो अ बिलियनियर गाइज, एंड यस एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव पीपल लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड किम कार्दाशियन, वो भी इस लिस्ट के अंदर आपके आते हैं, बट ओवरऑल आपका द रॉक इज एट द नंबर वन पोजिशन। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, रजन या फिर राजन मैथ्यूज हैज़ क्विट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेल्यूलर ऑपरेटर्स ऑफ यस ही हैज़ क्विट एज द हेड ऑफ द सी डायरेक्टर जनरल ऑफ द COAI। COAI बेसिकली आपका जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका वो उसकी एक बॉडी होती है, इट्स बेसिकली यूनियन ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स, एंड इन्होंने जो COAI है उसको क्विट किया है और इनकी जगह अब SP Kochar विल बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष अब आपके SP Kochar जो हैं वो आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, इसके जो भारतीय एयरटेल के CEO हैं अजय पुरी, उनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द COAI। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है आपका SP Kochar एंड जो नए चेयरमैन है आपके ऑफ COAI उनका नाम है दोस्तों अजय पुरी। नाम क्या है उनका? उनका नाम है आपका अजय पुरी, याद रहेगा, यस। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे आज के एनालिसिस में ऑफ द 4th of July। आज की पहली खबर दोस्तों जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो है आपकी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है। दिस हैकाथॉन हैज़ बीन लॉन्च टू आइडेंटिफाई द ड्रग कैंडिडेट्स अगेंस्ट SARS, मतलब कोवैक्सीन के अलावा वो कौन से ऑन आपके कैंडिडेट्स हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रायल्स। बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री, AICTE एंड द CSIR। हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ चैलेंजेस पोस्टेड एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जिनको कि पार्टिसिपेंट्स को आपका सॉल्व करना होता है, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिनको कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। ये हैकाथॉन को लॉन्च किया श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को हाल ही में आपका लॉन्च किया गया, HRD मिनिस्ट्री, AICTE और CSIR ने मिलकर इसको लॉन्च किया है।
कतरा कतरा क्लियर हो रहा है गाइस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यस सर, यस सर, यस सर, हमें कतरा कतरा क्लियर हो रहा है। अगली खबर की बात करते हैं गाइस। एक वर्ड आता है आपका इनविट। वर्ड क्या है आपका? इनविट। पहली बात तो मैं चाहूँगा इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो। इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इसका पहली बात तो फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस इनविट। अब बेसिकली होता क्या है, अगर हम इनविट की दोस्तों बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ पूल ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड की तरह, जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मान लेते हैं भारतमाला योजना है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आपकी योजना है फॉर नेशनल हाईवेज, उसके लिए हमने सेटअप किया इनविट। इसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनका पैसा इसमें जाएगा और जो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को इन इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड बट वेरी डिफरेंट। म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्ट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ मैनेजर्स इन मल्टीपल सेक्टर्स, पर जो इनविट है इट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थिंग, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपका पैसा लगाया जाएगा और ये पैसा मल्टीपल सोर्सेज से पूल किया जाएगा। तो मान लेते हैं भोला भोली भोले राम भोले 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 माँ, ये सारे लोग मिलकर आते हैं एंड दे बेसिकली इन्वेस्ट द मनी। इस मनी को जोड़ा जाएगा, इट विल बी इन अ पूल एंड दैट पूल विल बी इन्वेस्टेड इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो NHAI, दैट इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट हैज़ सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनविट, जहाँ पर दे विल यूज दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर NHAI प्रोजेक्ट, जो NHAI के डिफरेंट रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसके लिए जो एक्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें पहला एक्ट है आपका द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 एंड सेकेंड एक्ट जो आपका है दैट इज़ द सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ 2014। इसके लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी जो कि इस पूरे ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनाया जाएगा, और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी के चेयरमैन हैं आपके द चेयरमैन ऑफ NHAI मिस्टर सुखबीर सिंह संधु। अब इनविट क्या होता है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इनविट के बारे में मैंने आपको डिटेल दिया हुआ है। इनविट बेसिकली इज अ पूल ऑफ फंड फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दिस फंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो डेट्स हैं, जो उसके लोन्स हैं, उनको मीट करने में ये आपका हेल्प करता है। सबको समझ में आ गया? कतरा कतरा क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, हमें क्लियर हो गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के न्यूज़ मेकर्स पे, और आज का जो हमारा पहला न्यूज़ मेकर है दैट इज़ द धर्मा चक्रा डे। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉरपोरेशन, सुन समझिएगा ध्यान से, भारत का जो कल्चर मिनिस्ट्री है और जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव सेलिब्रेटेड द 4th of July एज द धर्मा चक्रा डे। उन्होंने 4 जुलाई को धर्मा चक्रा डे के तौर पर सेलिब्रेट करने की बात की है। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज द इसाला पोया डे इन श्रीलंका। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इसाला पोया डे इन श्रीलंका। दिस डे इज नोन एज असाना बुका डे इन थाईलैंड, और ये डे आपका 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन द असाढ़ पूर्णिमा। असाढ़ इज अ मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट आफ्टर द विसाख डे और द बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद ये सेकेंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, बाकी आप चीज़ें आए तो स्किप कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एंड IBC ने रीनेम किया है 4 जुलाई को एज द धर्मा चक्रा डे। इस डे को अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं और ये सेकेंड सेक्रेड डे है इन बुद्धिस्ट रिलीजन आफ्टर द विसाख डे और द बुद्ध पूर्णिमा डे। इसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा इज़ अ डे विच फॉल्स ऑन द फुल मून डे ऑन इन द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़। बेसिकली गुरु पूर्णिमा आपके मनाया जाता है एज इज इज डेडिकेटेड टू महर्षि वेदव्यास, और बेसिकली ये वही दिन है जिस दिन पहली बार सरमन दिया था लॉर्ड बुद्धा ने एट सारनाथ, और बेसिकली ये दिन आपके मॉनसून्स के आने की भी दस्तक देता है। इट इज़ ऑल्सो अ डे विच इज़ बिलीव टू बी दी ऑनसेट ऑफ दी मॉनसून, उस वजह से भी ये डे आपका इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
गाइस इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, जो पेट्रोल, ओ सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, उनके बारे में एक अपडेट है। अपडेट ये है कि द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिफर टू एज इंटरपोल, इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एंड दिस रेड कॉर्नर नोटिस हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट द प्रेजिडेंट ऑफ द US, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ये दिन भी देखना बाकी रह गया था कि अब जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर भी एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। एंड दिस रेड कॉर्नर नोटिस हैज़ बीन इशूड बाय ईरान थ्रू द इंटरपोल, और इट इज़ अ नोटिस फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उन पे एक्यूजेशन है कि उन्होंने कैरी आउट किया है एक ड्रोन स्ट्राइक दैट हैज़ किल्ड ईरानियन जनरल कसम सुलेमान। अगर हम इंटरपोल की बात करें तो ये लियोन फ्रांस में आपका पड़ता है और ये 1923 में आपका फॉर्म किया गया है। अगर हम बात करें कि ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ रेड कॉर्नर नोटिस, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देर आर 8 टाइप्स ऑफ नोटिसेस जो कि इंटरपोल के होते हैं। इनमें पहला होता है आपका रेड नोटिस। रेड नोटिस गाइस इज फॉर वॉन्टेड पर्सन। सेकेंड आपका होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस इज फॉर मिसिंग पर्सन। ब्लू नोटिस इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एनी कॉन्विक्ट। ब्लैक नोटिस इज फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ग्रीन नोटिस इज फॉर वार्निंग्स। ऑरेंज नोटिस इज फॉर इमिनेंट थ्रेट। पर्पल नोटिस इज फॉर मोडस ऑपरेंडी। इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस इज फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स जिन पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आपके होते हैं सैंक्शंस। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पुलिसिंग जो कि आपकी लियोन में बेस्ड है। तो ये 8 आपके इसके नोटिस आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। हाँ चलिए अब आते हैं हमारे आज के चलते चलते हेडलाइंस पर, जो कि ये रही आपके सामने। 77.9% रशियंस ने ग्रांट किया है पुटिन को कि जा बेटा जिले जिंदगी, एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट अप टिल 2036 तक इन्हें अप्रूवल यहां पर दिया गया है। कृतिका पांडे को दिया गया है द ओवरऑल विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस। फ्रेंच PM एडवर्ड फिलिप ने रिज़ाइन किया है। सुखबीर सिंह संधू को दिया गया है 6 months का एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंटेल कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स जिसका वैल्यू है 1894.50 crores। वेटरन बॉलीवुड एक्टर कोरियोग्राफर सरोज खान का देहांत हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। एंड ADB ने ज्वाइन किया है आपका द ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर। तो ये हमारी चलते चलते हेडलाइंस आपके सामने हमने आपको प्रेजेंट की है। और अब आपका होमवर्क है, सवाल मेरा पहला आपसे है, यानी ये बहुत ही सिंपल सवाल आपके लिए है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? सेकेंड सवाल, सिमलीपल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? बनरघट्टा टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? एंड द लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा इज इन विच स्टेट? ये 5 सवाल आपके हैं। गाइस अगर आपको सेशन पसंद आया, आप मेरे को इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, लेट्स कोशिश करते हैं कि 1000 लाइक्स तक पहुँचें इस वीडियो में और 100 कमेंट्स तक पहुँचें। अगर आप ये कर पाओगे मेरे लिए तो हम कर पाएंगे। बाकी आज 10 AM पे आने वाला है वीकली MCQ, उसको देखना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट।